क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें है 39 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन नंबर 39, 39 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। कौन सा ऐसा बेस है जो डीएनए में प्रेजेंट नहीं है? एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिन। हाँ, यूरेसिल इज राइट आंसर। ठीक है, तो 39 का आंसर हो गया यूरेसिल। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 40। ये दोनों स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, पहला वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या है, और सेकंड वाला भी दिख रहा है आपको, ये क्या है? ठीक है, यस। दोनों स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब वो कह रहा है कि ये दोनों स्ट्रक्चर हैं क्या, उसका क्वेश्चन यही है कि दोनों स्ट्रक्चर हैं क्या। पहला देखो, फर्स्ट ये फर्स्ट न्यूक्लियोसाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें से कौन सा कौन है, जरा पहचान में बताओ, फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, दिखाओ से भी, कौन सा न्यूक्लियोटाइड्स है और कौन सा न्यूक्लियोसाइड्स है, या दोनों सर न्यूक्लियोटाइड्स देखो, है। सर ऊपर वाला न्यूक्लियोसाइड है और नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड। हाँ, ऊपर वाला है न्यूक्लियो, साइड हाँ, और नीचे वाला, न्यूक्लियोटाइड। हाँ बिल्कुल सही है, ये है साइट और दूसरा है, पहला ये न्यूक्लियो साइट्स, ठीक है, और दूसरा है आपका न्यूक्लियोटाइड्स, तो बिल्कुल सही है आपका आंसर फर्स्ट और सेकंड में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, बताओ कौन सा बेस है जो वो प्रेजेंट है आरएनए में। चार ऑप्शन है आपके पास, ये तो आपके लिए चुटकी का खेल है। हाँ, अंकित आप भी बताओ कौन सा आंसर लग रहा है आपको। इसमें से कौन सा बेस पेयर प्रेजेंट होता है आरएनए में, ये हमने डिफरेंस में बताया था, आरएनए में ये होता है और जो दूसरा है आरएनए के अलावा डीएनए में ये होता है, आरएनए में कौन सा होता है और डीएनए में कौन सा होता है। तो इसका आंसर श्वेता ने सही बता दिया, ठीक है, ये सही आंसर है, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल किसमें होता है, आरएनए में होता है, और इसकी जगह पे अगर हमने थायमिन को लिख दिया, थायमिन, तो ये होता है डीएनए में, इन दोनों में एक डिफरेंस हो जाता है बस, थायमिन होगा तो डीएनए और यूरेसिल होगा तो आरएनए। क्वेश्चन नंबर 42, डीएनए एंड आरएनए कंटेन फोर बेस ईच, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इन इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, फिर यही क्वेश्चन दे दिया इसमें। अब भी बताओ कौन सा आंसर पर टिक करोगे। कौन सा ऐसा है जो बेस पेयर है जो आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। ओके श्वेता, अंकित, हाँ थायमिन, अभी हमने कहा देखो थायमिन किसमें होता है, डीएनए में होता है, और थायमिन किसमें नहीं होता है, आरएनए में नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर आपने बिल्कुल सही बता दिया, ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल सही बता दिया, तो 42 का आंसर सी, थायमिन। क्वेश्चन नंबर 43 का बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आर एन ए, एम यानी मैसेंजर आर एन ए, ट्रांसफर आर एन ए, राइबोसोमल आर एन ए, या ऑल ऑफ दीज। अच्छा अंकित और श्वेता, बिल्कुल सही आंसर, तो
ये आपका 43 भी कंप्लीट हो गया, आप 44 में पहुंच जाते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट्स। डीएनए फिंगरप्रिंट जानते हो आप क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंट्स होता है जैसे हर एक का क्या होता है कि स्पेसिफिक चीज होती है। डीएनए जो होता है किसी से मैच नहीं कर पाता है, ठीक है? तो आपको ये बताना है कि इसका एप्लीकेशन क्या है डीएनए फिंगरप्रिंट का। 44 क्वेश्चन का पहला है आपका इन फॉरेंसिक लेबोरेटरीज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स के लिए हम डीएनए को चेक करते हैं। दूसरा टू आइडेंटिटी रेशियल ग्रुप्स, टू रीराइट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिए भी हम करते हैं इसे, या टू डिटरमाइन पैटर्निटी इन एन इंडिविजुअल के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। अंकित ओके, हाँ बिल्कुल सही, ये सारी चीज के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट को हम यूज करते हैं। डी इज द राइट आंसर। अब 45 क्वेश्चन पे आ जाओ। 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट बिटवीन न्यूक्लिक एसिड एंड इट्स रिस्पेक्टिव बेस। जो सुगर बेस है और न्यूक्लिक एसिड है, इन दोनों के बीच में कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है? बताओ इन चारों में से आपको कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन लग रहा है? ओके, और श्वेता आपको? करेक्ट कॉम्बिनेशन 45 का आंसर नहीं, श्वेता मिस कर गई। आप डीएनए कहाँ पे होता है? टू पोजिशन में होता है ना, जब टू पे ऑक्सीजन हटेगा टू वाले पे हटेगा, बीटा डी टू, टू वाले पे जब हटता है टू डी ऑक्सीराइबोस, जब सेकेंड वाले पे ऑक्सीजन हटेगा तब आपका डीएनए होता है, ठीक है? अदरवाइज डीएनए नहीं होता, ये तो गलत हो गया। वन में भी नहीं होता, ये भी गलत हो गया। आरएनए में तो कोई होता ही नहीं है, तो ये सी इज द राइट आंसर, ठीक है? अंकित ने सही आंसर बताया, 45 का सी आंसर। अब 46 एसर्शन रीजन आ गया। अब ये थोड़े टफ क्वेश्चन आ गए। एसर्शन बताओ, टॉलरेंस रेजिडेंट बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड फेलिंग सॉल्यूशन आर रिड्यूसिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक क्लोरीन एंड ब्रोमीन वाटर कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोनिक एसिड, जो हमने कल किया था। अब इसमें से बताओ 46 का आंसर कौन सा आपको सही लग रहा है? बताओ कौन सा आंसर है? आपको कौन सा आंसर, आपको पता है ना चार ऑप्शन इसके। ए का मतलब हो गया दोनों राइट और रीजन भी करेक्ट। बी का मतलब दोनों राइट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। सी का मतलब एसर्शन राइट है और रीजन रॉन्ग है, और डी का मतलब एसर्शन रॉन्ग है और रीजन राइट है। तो इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? ओके अंकित, अब श्वेता। ये वाला, अब
आवाज सर, ये वाला इसमें से बताओ, एबीसीडी में से। ए, अच्छा ए वाला बोला मैंने, सो ये वाला। ए इज रॉन्ग, वेरी 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 लॉन्ग। ठीक है, ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कह रहा है ना, रिड्यूसिंग एजेंट कह रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, टॉलरेंस एजेंट रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, और ये किसको रिड्यूस करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट तो है ये, लेकिन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन नहीं है शायद इसमें से, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये वाला रॉन्ग है। जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन वाटर होता है, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोनिक एसिड में। ये बिल्कुल सही है, ग्लूकोज ये है, ग्लूकोनिक एसिड का मतलब इसमें सीवेज आ जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है और ये वाला रॉन्ग है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी एसर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज राइट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब 47 क्वेश्चन पे, 47 assertion है कि जो D plus glucose होता है is dextrorotating in nature, और D represent its dextrorotating nature, इसमें से कौन सा सही लग रहा है? दोनों सर, दोनों सही लग रहे हैं। यस सर, आप बताओ श्वेता। यस सर, दोनों सही हैं। दोनों कहाँ से सही हैं? आप दोनों ने गलत पढ़ लिया ये वाला। जो ये प्लस चार्ज होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटिव होता है प्लस के लिए या स्मॉल डी के लिए, कैपिटल डी नहीं होता है। कैपिटल डी तो सिर्फ ये बताता है कि जो सेकंड लास्ट, जो सेकंड लास्ट वाला कायरल कार्बन होता है, अगर उसमें OH लेफ्ट राइट हैंड साइड में हो गया तो डी कॉम्बिनेशन, अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो। और इसमें कैपिटल एल आता है जब OH होता है जो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, OH अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या होता है, लीवो रोटेट, और जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में होता है तो इसका होता है डेक्स्ट्रो रोटेट। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही गलत है 47 का। ठीक है, और ये डेक्स्ट्रो रोटेट बिल्कुल सही है। तो assertion इज राइट एंड रीजन इज रॉन्ग, तो इसका आंसर कौन सा होगा, 47 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, कैपिटल डी और स्मॉल डी में डिफरेंस समझ जाओ, कैपिटल डी अलग होता है, स्मॉल डी अलग होता है। अब आता है 48 क्वेश्चन का आंसर बताओ। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर रिड्यूसिंग एजेंट, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कंटेन अ फ्री एसिडिक एंड केटोनिक ग्रुप एडजेसेंट टू अ सी एच ओ एच ग्रुप रेस्पेक्टिवली। 48 का आंसर, ए बी सी डी में से आपको बताना, क्योंकि जब आप वहां करोगे तो वहां पे ए बी सी डी तो आएंगे आंसर, ए बी सी और डी, इसमें से कौन सा क्लिक करोगे। ए मतलब दोनों सही है और रीजन भी सही है, बी मतलब दोनों सही है रीजन रॉन्ग है, सी मतलब assertion right but reason is wrong, एंड डी मतलब assertion wrong but reason is right। सी, ओके। और श्वेता, आवाज नहीं आ रही आपकी, उसमें हो सके तो टिक लगा के देखो, टिक। चलो मैं ही बता देता हूं, देखो दोनों रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं तो उसका
ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कंटेन अ फ्री एल्डिहाइडिक एंड केटोनिक ग्रुप भी, रीजन सही है ठीक है। और ये तो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते होते हैं। इसमें एक और होता है, इसका परफेक्ट लैंग्वेज नहीं होती है, इसका परफेक्ट लैंग्वेज ये होता है कि इसमें हैमी एसिटल या हैमी कैटल होता है। देखो इसको कई बार वो चेंज कर देगा, फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप और फ्री केटोनिक ग्रुप होना बहुत जरूरी है, तभी वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। लेकिन इसके जब एक और वर्ड यूज करता है, वो करता है हैमी एसिटल या हैमी कैटल वर्ड यूज करता हूँ, ध्यान रखना हैमी एसिटल या हैमी कैटल वर्ड यूज करता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि इसमें जो ये सी एच ओ ग्रुप होता है वो एक्टिव होता है और वहां पे वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था जो मोनोसैकेराइड होते हैं, जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं, जबकि जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, पॉलीसैकेराइड वो रिड्यूसिंग शुगर में नहीं आते ठीक है। इसीलिए तो इसका ए आंसर है, यानी रीजन भी करेक्ट माना गया। अब 49 क्वेश्चन है यहाँ पे। एसर्सन कहता है डी ऑक्सीराइबोस ये इज अ कार्बोहाइड्रेट, और रीजन है कार्बोहाइड्रेट हैज हाइड्रेट ऑफ कार्बन सो कंपाउंड विच फॉलो सी एक्स एस टू ओ वाई फॉर्मूला आर कार्बोहाइड्रेट्स। 49 का क्वेश्चन आपको कौन सा लग रहा है, डी ऑक्सीराइबोस इज अ कार्बोहाइड्रेट। पहली बात फॉर्मूला छोड़ दो, फॉर्मूला तो आपको ध्यान होगा ना हो, लेकिन डी ऑक्सीराइबोस क्या कार्बोहाइड्रेट है, और दूसरा कार्बोहाइड्रेट होता है जो हाइड्रेट ऑफ कार्बन होता है तो ये इस लॉ को फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये कार्बोहाइड्रेट है। तो कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है, ए बी सी डी, विच वन इज करेक्ट, ए बी सी या डी? ओके अंकित, अब श्वेता बताओ डी। ओके देखो जो 49 क्वेश्चन है उसका आंसर लिखा है इन्होंने सी को, यानी कि ना ए है और ना डी है, यानी दोनों के दोनों रॉन्ग, आप दोनों गलत हो गए इसमें। देखो ये पुरानी डेफिनेशन थी, ये डिफाइन मैंने आपको बताया था ये थी, लेकिन कई कंपाउंड इसे फॉलो नहीं कर रहे थे, इसीलिए इसको क्या करते हैं, डीऑक्सीराइबोस तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता ना, डीऑक्सीराइबोस क्यों नहीं होता कार्बोहाइड्रेट, आपको क्या बताया था पेंटोस शुगर, तो शुगर किस में आता है, पेंटोस शुगर थे ना राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, तो हमने कंपैरिजन नहीं किया था कि राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में से कौन मोनोसैकेराइड है कौन डाइसैकेराइड है, तो डीऑक्सीराइबोस क्या था, डीऑक्सीराइबोस क्या था शुगर में आ रहा था, आ रहा था कि नहीं आ रहा था, मोनोसैकेराइड था ना, यस सर, फिर तो मोनोसैकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट है तो बिल्कुल सही है। और ये देखो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, देखो देखो सी एक्स तो मैंने कहा सी फाइव चलो ठीक है, अब देखो एच टू ओ, एच टू ओ का वाई, अब वाई कितना मान हो गया, अगर आपने वाई को फाइव किया तो फाइव टू जा टेन, लेकिन ओ कितना होना चाहिए फाइव होना चाहिए, फाइव टू जा टेन लेकिन ओ फाइव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसने कह दिया डी ऑक्सी, यानी एक ऑक्सीजन तो उसने कम कर दिया, तो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तभी तो हमने इस रूल को हटाया, क्योंकि कई ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, इसीलिए हमने इसे क्या कर दिया था डिस्कार्टेड कर दिया था ठीक है। तो ये इस रूल को फॉलो नहीं करता, इसीलिए ये वाला रॉन्ग, ये वाला राइट, आंसर इज सी ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 50 पे, 50 ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकल एक्टिव एंड मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड हैव एल कॉन्फिगरेशन, कौन सा आपको सही लग रहा है, मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड हैव एल कॉन्फिगरेशन, तो ये सही है, ये वाला मैं आपको बता देता हूं कि ये स्टेटमेंट सही है, ये सही, दोनों सही है सर। तो कौन सा होगा इसमें से, ए बी सी या डी?
श्वेता ओके ए, कौन सी जगह से ए लग रहा है? अंकिता बताओ, हटा दिया उसने सर दोनों सही है लेकिन जो रीजन है ना एसेसन करने है। हाँ बिल्कुल सही कहा उसने, बी उसे कहते हैं बी, बोथ स्टेटमेंट इज राइट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि ग्लाइसिन में क्या होता है, ग्लाइसिन में यहाँ पे एच हो जाता है, आर की जगह पे हम ग्लाइसिन में क्या लेते हैं, एच लेते हैं, इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं होता इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने की वजह से क्या होता है, ये इनएक्टिव नहीं होगा क्योंकि कायरल कार्बन है ही नहीं इसमें, तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है क्योंकि रीजन मैंने आपको बता दिया, ग्लाइसिन में क्या होता है आर की जगह पे एच हो जाता है, तो इसमें दो एच हो जाते हैं और जहां पे दो एच होंगे तो एक कायरल कार्बन होगा ही नहीं, कायरल कार्बन नहीं होगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, इसीलिए रीजन इज नॉट परफेक्ट, बी इज द राइट आंसर। अब आता है 51, तो श्वेता पीछे हो गया, ठीक है, वन मार्क्स पीछे हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 51 पे, 51 है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज इन द शेप ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू और देयर इज ए हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द एन एच ग्रुप ऑफ ईच अमीनो एसिड एंड सीओ ऑफ द एडजेसेंट टर्न ऑफ हेलिक्स। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है, 51 ए बी सी डी में से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? ओके, और दूसरा आंसर ओके ए, ए इज द राइट आंसर, सही है, ए इसका राइट आंसर है क्योंकि जब अल्फा हेलिक्स होता है तो राइट हैंडेड स्क्रू यानी इस तरीके से ये बॉन्ड होता है और इसमें जो एनएच बॉन्ड होता है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, एडजेसेंट टर्न के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन इसमें जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज इन शेप ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू, इसका एक और रीजन ये होता है कि जो इसमें आर ग्रुप होता है वो लार्ज साइज का होता है इसीलिए, और ये राइट हैंडेड स्क्रू में आ जाता है। ठीक है, तो इसको भी उन्होंने सही माना हुआ है, तो इसका रीजन भी परफेक्ट है और एसर्शन भी परफेक्ट, तो इसका ए आंसर सही है। अब आता है 52, यही है जो टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एंजाइम वाला आपके पास है नहीं, विटामिन भी आपके पास है नहीं, इसको हटा देते आगे बढ़ जाते। 55 क्वेश्चन, 55 वाला, डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज एग्जैक्टली सिमिलर, तो आपको कौन सा आंसर लग रहा है? Assertion is right but reason is wrong. अच्छा, assertion is right but reason is wrong, यानी कि सी वाला 55। चलो अंकित ने सी बोल दिया, अब बताओ श्वेता सी इज राइट। ठीक है, क्योंकि ये तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों सिमिलर नहीं होते, सिमिलर का मतलब 5-5 और 5-3 और ये भी 5-3, तो ये तो होता ही नहीं है क्योंकि तो दोनों पास पास हो जाएंगे, ए ए पास आ जाएगा, जी जी पास आ जाएगा, टी टी पास हो जाएगा, तो इसके पास आने का कोई लॉजिक ही नहीं है, तो इसीलिए सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है इसमें ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कंटेन,
बताओ ओपन स्ट्रक्चर में कितने सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप होते हैं? ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में हाउ मेनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आप दिए हैं? ग्लूकोज का आपको ध्यान रखना ये होता है CHO, और यहाँ पे CHOH का होल फोर और आगे CH2OH, ये होता है ग्लूकोज। इसमें बताओ कितने सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है? टू इज रॉन्ग। देख लो इसमें कितने दिख रहे हैं आप, टोटल छह होते हैं ना। सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ? सेकेंडरी का मतलब ये बीच में ये वाले सेकेंडरी। हाँ फोर इज द राइट आंसर, फोर। ठीक है टू नहीं, फिर श्वेता पीछे हो गई है। ठीक है फोर इज द राइट आंसर। देखो ये फोर है। सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ? जो दो कार्बन से अटैच होते हैं, तो दो कार्बन से अटैच कितने हैं? फोर है, तो इसलिए फोर इज द राइट आंसर। अब इसमें नेक्स्ट आता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा बीटा डी ग्लूकोज आर। ये बताया था मैंने आपको, ये क्या होता है अल्फा डी और बीटा डी में क्या होता है? ये एनोमर, एपीमर, इनेंशियोमर या ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इनमें से कौन सा आंसर टिक करोगे आप? ओके श्वेता और अंकित, अंकित ने आपकी बार, अंकित आपका कौन सा, ये एपीमर वाला? ए ए अच्छा ए, ओके दोनों सही है, एनोमर इज द राइट आंसर। ठीक है एनोमर राइट है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ इसी का और वाला पार्ट। ये है अब इसका बताओ कि अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंस इन कार्बन एटम विद रिस्पेक्ट टू इट्स कन्फॉर्मेशन या कॉन्फिग्रेशन या नंबर ऑफ ओएच ग्रुप या साइज ऑफ हेमी एसिटल रिंग। ये किस में डिफरेंट होते हैं? कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? ओके अंकित। इसके अलावा श्वेता, अच्छा कॉन्फिगरेशन। तो अल्फा डी ग्लूकोज, देखो अल्फा का मतलब होता है जब ओएच आपका राइट हैंड साइड में होता है तो अल्फा है, बाकी एजिटिस हो जाता है। और बीटा का मतलब होता है जब जो पहले नंबर का ओ एच ग्रुप है वो किस साइड हो जाता है? लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है। जब लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है ओ एच ग्रुप तो उसे कहते हैं बीटा, और जब राइट हैंड ओ एच ग्रुप हो जाता है उसे कहते हैं अल्फा। तो इसका मतलब ओ एच ग्रुप से इसका कोई मतलब नहीं है, साइज से इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसमें दो ही चीज आ सकती है, तो कॉन्फिग्रेशन चेंज होगा या कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है तो ये जो आंसर है वो कंफर्मेशन को दिया हुआ है। ठीक है आंसर जो इसने दिया है वो दिया है कंफर्मेशन वाला, यानी कि कहता है कि कंफर्मेशन डिफरेंट होगा। कंफर्मेशन 11 में पढ़ाया गया होगा आपको, कंफर्मेशन एंड कॉन्फिग्रेशन। ठीक है कंफर्मेशन का मतलब होता है जब आप क्या करोगे, जब कोई भी चीज अलग अलग प्लेन में होती है और आप उसके एंगल को चेंज कर देते हो। जैसे एक चीज ऐसे लगी है, दूसरा आपने इसका एक दूसरी इसके पीछे ऐसे लगाया, आपने एक दूसरे के एंगल को चेंज कर दिया, तो उसको चेंज को हम कहते हैं कंफर्मेशनल चेंज। ठीक है लेकिन इसका आंसर अभी मैं आपको एक्यूरेट बताता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है सही नहीं है, कॉन्फिग्रेशन ही ज्यादा क्लियर लग रहा है ये। ठीक है तो इसको मैं अभी क्लियर करता हूँ आपको, पर इन दोनों में से इसका आंसर है कंफ्यूज। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला, ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विद
एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन टू यील्ड ओसाजोन. द वैल्यू ओसाजोन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ऐसे भी हटा देता हूँ मैं, ये हटा दिया आपके कोर्स से, रिड्यूस कर दिया इस समय. हाँ ये वाला है, ये मैंने आपको बताया था. देखो एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड. जैसे देखो ग्लूकोज था आपको, ग्लूकोज का मैंने बताया था, ग्लूकोज को जब हम एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है. जैसे ही ग्लूकोज को एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा. 1, 2, 3, 4 कौन सा ऑप्शन पे टिक करोगे आप, हेक्साएसिटेट या पेंटासिटेट या टेट्रासिटेट या ट्राईएसिटेट, इसमें से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है. ठीक है, जब ग्लूकोज में एसिडिक एनहाइड्राइड को रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा. ओके आप बताओ अंकित. आवाज नहीं आ रही आपकी, टिक लगा लो टिक. ओके दोनों का सही आंसर है. ठीक है पेंटासिटेट बनता है. अब नेक्स्ट का है, पहला ये हो गया हमारा कंप्लीट. अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग. देखो इसमें पैराग्राफ है, पैराग्राफ आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो हमने तो सारी चीज पढ़ी हुई है इसलिए हम डायरेक्ट इसे अप्लाई करेंगे. अब ये हमने अभी किया था कि कौन सा अमाइनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी एक्टिव नहीं होता है. ठीक है तो बताओ, अभी मैंने उसका नाम भी बताया था कि ये अमाइनो एसिड है जो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. श्वेता ओके, अंकित हाँ सही आंसर. बाकी का नहीं आपके पास, नेक्स्ट में आते हम लोग. विच ऑफ द, अच्छा ये भी है, अल्फा अमीनो एसिड है. हाँ ये बता दो अल्फा अमीनो एसिड है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, अल्फा अमीनो एसिड का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा. अभी इससे पहले हमने पढ़ा था रीजन वाले में, एसर्शन रीजन में एक आया था क्वेश्चन अमीनो एसिड के लिए, एल और डी में से पूछा गया था उसमें. श्वेता ओके और अंकित आप बताओ. आवाज नहीं आ रही आपको, टिक्की लगाना पड़ेगा. इसका आंसर है, हाँ इसका आंसर कौन सा किया आपने. डी, तो इसका आंसर है सर शायद एल है. एल एल किया मैंने. एल 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 इज द राइट आंसर. अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था ना कि जो एल होता है, एल क्या होता है, जो जितने भी अमीनो एसिड होते हैं जनरली एल कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं. तो जो अल्फा अमीनो एसिड होता है वो भी एल कॉन्फ़िगरेशन वाला ही होता है. तो एल राइट है और ये वाला रॉन्ग. अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिर आ गया एसर्शन रीजन में. एसिडिक एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट और एसिडिक एसिड फिट
इनटू जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट CXH2OY। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको बता देता हूं मैं, याद रखना आप लोग, ये होता है CH3COOH। इसमें कौन सा आंसर पे आप टिक करोगे, ABCD? इंसर्शन इज राइट। तो कौन सा है ए, ए और बी, ए बी सी डी में से टिक लगा दो। ओके, और श्वेता नहीं, इसमें दोनों गलत हो गए। इसका आंसर है बी। बी कैसे, देखो इसमें देखो सी के कितने है, टू है ना, सी के टू है तो सी टू हो गया, और इसमें देखो H2O का भी टू कर दो कितना हो जाएगा, टू टू जा फोर, सी एस और ओ इंटू वन का टू हो गया, तो देखो यही तो है सी के टू, सी के ओवरऑल देखेंगे तो सी के टू हो गए, हाइड्रोजन के 3+1 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, तो C2H4O2। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये वाले फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, तो कह रहा है कि इस फॉर्मूले में फिट बैठेगा ये, तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो ये भी फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है और ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसीलिए बी इज द राइट आंसर। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है, इसलिए बी राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एसर